आज हम बात करने वाले हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन की। तो पहले मैं बताऊं कि जब भी हम नर्व्स की बात करते हैं, नर्वस सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मींस द नर्व कमिंग आउट फ्रॉम द ब्रेन एंड द नर्व कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाइन मींस क्रेनियल नर्व एंड द स्पाइनल नर्व टुगेदर आर कॉल्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो लेट्स टॉक अबाउट द स्पाइन। वी नो सपोज दिस द स्पाइन। अब वी आर टॉकिंग अबाउट द एंटीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइन। हमारे स्पाइन में पोस्टीरियर हॉर्न भी होता है, एंटीरियर हॉर्न भी होता है। तो हमारे एंटीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइन से जो नर्व निकलती है वही हमारे स्केलेटल मसल्स को सप्लाई करती है। तो स्केलेटल मसल में मूवमेंट होती है, जैसे मुझे अपना हाथ लिफ्ट करना है तो स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर हॉर्न से एक नर्व आई और उसने मसल को एक्टिवेट किया और जिससे हमारी मूवमेंट हुई। तो इस जंक्शन को जहां पर नर्व और मसल का मिलन होता है इसे हम कहते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। तो अभी हम न्यूरो मस्कुलर जंक्शन की बात करेंगे। यहां से ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड का इधर एंटीरियर हॉर्न है और इधर पोस्टीरियर हॉर्न है। यहां से हमारी नर्व निकल कर आ रही है और ये नर्व एंडिंग है। तो यहां पर हम कहते हैं नर्व की सेल बॉडी। ये नर्व की सेल बॉडी है जहां पर नर्व का न्यूक्लियस होगा, डीएनए होगा। और ये जो देख रहे हैं आप, ये नर्व टर्मिनल है जिसे हम नर्व एंडिंग भी कहते हैं। तो नर्व जब इंपल्स लेकर आती है, एक्शन पोटेंशियल लेकर आती है, इलेक्ट्रिक करंट लेकर आती है, तो उसी के कारण हमारी जो मसल मूवमेंट करती है ये हमारी स्केलेटल मसल है। तो इसी जंक्शन को हम कहते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। नर्व की ये जो नर्व एंडिंग है यहां तक मैसेज आता है इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में। तो ये इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में जो मैसेज आ रहा है ये आप देख सकते हैं, इसे हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। लेकिन फिर यहां नर्व और मसल के बीच में जो गैप है, यहां पर मैसेज कैसे पास होगा? तो नर्व कुछ केमिकल सीक्रेट करती है और वो केमिकल फिर मैसेज को आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो यानी पहले जो इलेक्ट्रिक सिग्नल था या पहले जो एक्शन पोटेंशियल था, अब वह बन गया केमिकल सिग्नल। फिर एक केमिकल सिग्नल मसल तक पहुंचता है और मसल में जाकर फिर से इलेक्ट्रिक सिग्नल बन जाता है और फिर हमारी मसल मूवमेंट करती है, राइट? सो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूरो मस्कुलर ट्रांसमिशन, राइट? तो हमने इस तरह से इस स्ट्रक्चर में क्या क्या देखा कि नंबर वन कि नर्व कहां से आ रही है। नर्व आ रही है एंटीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से। नर्व का डीएनए सेल बॉडी वहीं पर है और ये नर्व एंडिंग में यही मैसेज केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होकर आगे फॉरवर्ड होता है और फिर से दूसरी मसल में जाकर ये इलेक्ट्रिक सिग्नल बन जाता है। तो ये जो दोनों के बीच का जो गैप है, अब हम इसकी बात करेंगे। इस नर्व और इस मसल्स के बीच का जो गैप है इसे हम क्या कहते हैं? तो पहले तो आपको समझना होगा कि ये जो स्केलेटल मसल्स है जहां पर ये केमिकल सिग्नल एक्शन करेंगे, इसे हम कहते हैं मोटर एंड प्लेट,
जहाँ पर हमारी ये मोटर नर्व्स जो मैसेज को लेकर आ रही है यहाँ पर फाइनली अपना वर्क करेगी। तो इस नर्व एंडिंग से लेकर इस मोटर एंड प्लेट तक के बीच के भाग को क्या बोलते हैं, अब हम उसकी बात करेंगे। इसके लिए अब हम इस पेज पर आते हैं। तो देखिए पुनः सेल बॉडी, और सेल बॉडी ने पहले एक्शन पोटेंशियल भेजा या इलेक्ट्रिक करंट भेजा, फिर नर्व ने कुछ केमिकल्स भेजे। इन केमिकल्स को कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर या एसिटाइल कोलीन। ये डॉट्स डॉट्स केमिकल्स होते हैं, जैसे हमने एक परफ्यूम का स्प्रे किया तो कैसे उसमें डॉट्स निकलते हैं, परफ्यूम स्प्रे होता है, इसी तरह से नर्व एंडिंग ने कुछ स्प्रे किया तो एसिटाइल कोलीन के पाउचेस निकले और पाउचेस यहाँ के वर्स्ट हो गए। तो ये केमिकल मैसेज जो आगे प्रोसीड कर रहा है, इस जंक्शन को कहते हैं साइनेप्स। साइनेप्स का मतलब है कि नर्व एंडिंग और मसल के बीच की जगह, यानी नर्व एंडिंग और मोटर एंड प्लेट के बीच की जगह। तो जहाँ पर नर्व एंड होती है ये साइनेप्स के पहले का भाग है, इसे कहते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये साइनेप्स का पहले का भाग है, और जहाँ पर ये साइनेप्स समाप्त हो रहा है, जहाँ पर हमारी मोटर एंड प्लेट है, उसे हम कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। राइट, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से एसिटाइल कोलीन रिलीज हुआ और मैसेज को ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन तक लेकर आया, और फिर उसके बाद यही वापस इलेक्ट्रिक सिग्नल बन जाएगा। तो हमने देखा कि पहले तो हमें नर्व की मेम्ब्रेन मिल रही है, जिसे हम न्यूरोनल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, न्यूरोनल, और फिर हमें मसल्स की मेम्ब्रेन मिल रही है जिसे मस्कुलर मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और ये जो पूरा बीच का खाली स्पेस है जहाँ पर हमारे केमिकल सिग्नल आगे जाएंगे, इसे हम कहते हैं साइनेप्स। तो साइनेप्स का मतलब है कि वह स्थान जो नर्व और स्केलेटल मसल्स के बीच में है, या मोटर नर्व और हमारे मोटर एंड प्लेट के बीच में है। राइट, क्योंकि ये मोटर नर्व की नर्व एंडिंग है और ये हमारी मोटर एंड प्लेट है, इसे हम कहते हैं साइनेप्स। अब हम बात करेंगे जब नर्व मैसेज लाती है, तो मैसेज तो पहले एक्शन पोटेंशियल के रूप में आता है या इलेक्ट्रिक करंट के रूप में आता है, फिर ये मैसेज केमिकल रूप में आगे बढ़ता है, यानी न्यूरोट्रांसमीटर या एसिटाइल कोलीन के पाउचेज नर्व एंडिंग्स में पाए जाते हैं। वी कैन सी ये पाउचेज, जैसे बहुत सारे पाउच होते हैं, और ये जब पाउच यहां से नर्व एंडिंग से या नर्व टर्मिनल से निकलकर यहां बाहर साइनेप्स में रिलीज होते हैं, तभी यह केमिकल सिग्नल आगे बढ़ता है, यानी ये मैसेज केमिकल सिग्नल के फॉर्म में आगे बढ़ता है। तो हम कह सकते हैं न्यूरोट्रांसमीटर एक बहुत ही स्पेशल टाइप के प्रोटीन होते हैं। राइट, ये बहुत ही स्पेशल टाइप के प्रोटीन है न्यूरोट्रांसमीटर, और यही आगे इस मैसेज को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। गॉट इट, न्यूरोट्रांसमीटर जिस पाउच में बंद होते हैं, इस पाउच को कहा जाता है बेसिकल। ऐसे बहुत सारे बेसिकल पाए जाते हैं, और एक बेसिकल में कई सारे न्यूरोट्रांसमीटर का बंच होता है, तो एक बेसिकल पूरा का पूरा जाएगा और एक साथ कई सारे न्यूरोट्रांसमीटर स्प्रे कर दिए जाते हैं इस साइनेप्टिक स्पेस में। राइट, और फिर ये जाकर आगे केमिकल सिग्नल आगे हमारी इस स्केलेटल मसल्स पर जाकर वर्क करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके बारे में, एक चीज और बता सकते हैं, एक चीज और भी है अगर
आप चाहें तो समझ सकते हैं कि जब हम एसिटाइल कोलीन की बात करते हैं, एसिटाइल कोलीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, राइट। एसिटाइल कोलीन के बनने के लिए काफी सारे प्रोटीन की जरूरत होती है, काफी सारे प्रोटीन की जरूरत होती है। ओके, यह प्रोटीन हमारे सेल बॉडी से आता है, ये सेल बॉडी से ये प्रोटीन ट्रैवल कर कर आता है और इसकी प्रेजेंस में ही एसिटाइल कोलीन का निर्माण होता है। फिर हमारी इस नर्व एंडिंग में दो चीजें ऐसी होती हैं, एक बनाती है एसीटेट और एक जगह बनता है कोलीन। तो हमारी ये नर्व एंडिंग्स में पाए जाने वाला माइटोकॉन्ड्रिया एसीटेट का निर्माण करता है। हम जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब है एनर्जी इंजन, जो नर्व एंडिंग में पाया जाता है, और कोलीन हमारी ये बाहर से ट्रांसपोर्ट करके अंदर आता है। कोलीन यानी नर्व एंडिंग के बाहर से ट्रांसपोर्ट करके अंदर आता है। तो दोनों जब मिल जाते हैं तो उनके कॉम्बिनेशन से एसिटाइल कोलीन का निर्माण हो जाता है इस प्रोटीन की प्रेजेंस में, राइट। तो एसिटाइल कोलीन का निर्माण यहाँ पर ही होता है, लेकिन इसको बनाने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है जो हमारे सेल बॉडी से आता है। और नर्व एंडिंग्स में यही एकमात्र न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो केमिकल मैसेज को आगे कैरी फॉरवर्ड करता है। अब मानो कि हमारा ये एसिटाइल कोलीन हमारा इस स्पेस में पहुंच गया, जैसे ही एसिटाइल कोलीन इस स्पेस में पहुंचेगा, राइट, तो अभी क्या करेगा? एसिटाइल कोलीन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ये मोटर एंड प्लेट को स्टिमुलेट करेगा, कम होगा तो कम स्टिमुलेट करेगा, ज्यादा होगा तो ज्यादा स्टिमुलेट करेगा। तो जब एक नर्व ने इलेक्ट्रिक मैसेज आगे कैरी फॉरवर्ड किया, यानी एक्शन पोटेंशियल आगे कैरी फॉरवर्ड किया, ये एक्शन पोटेंशियल हमारा नर्व एंडिंग तक आ गया। अब नर्व एंडिंग ने वहां से एसिटाइल कोलीन के माध्यम से इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड किया, तो जितना ज्यादा एसिटाइल कोलीन होगा उतना ज्यादा हमारी स्केलेटल मसल्स का एक्टिवेशन होगा और उतना ज्यादा हमारी स्केलेटल मसल्स मूव करेगी, राइट। तो एसिटाइल कोलीन की प्रेजेंस होना जरूरी है, लेकिन अब हमारे हमारी बॉडी को, हमारे सिस्टम को ये भी डिसाइड करना होता है कि जरूरत से ज्यादा एसिटाइल कोलीन ना हो जाए, क्योंकि हमें जरूरत से ज्यादा एसिटाइल कोलीन को क्यों बर्बाद करना, जितनी जरूरत है उतनी मूवमेंट करा दो, और ज्यादा ही रिलीज हो गया एसिटाइल कोलीन तो थोड़ा सा वापस ले लो, है ना। यानी इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हमने बहुत सारा खाना बना लिया, बहुत सारा खाना बना लिया, तो हमें लग रहा है कि इतना ही खाना सभी लोग खा सकते हैं, उतना बाहर निकाला, बाकी हमने उसे डीप रेफ्रिजरेटर में रख दिया ताकि उसे आप शाम को यूज कर सको, नहीं तो वो खाना आपका बेस्ट हो जाएगा। ठीक उसी तरह से ये नर्व एंडिंग्स ने जब एसिटाइल कोलीन का निर्माण किया तो वो कुछ रीअब्जॉर्ब करती है, उस प्रक्रिया को अब हम यहां समझेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया कि हमारी नर्व एंडिंग में पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से बनता है एसिटाइल कोए, और कोलीन बाहर से ट्रांसपोर्ट करके नर्व एंडिंग्स में आता है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही एसिटाइल कोलीन का निर्माण होता है। तो एसिटाइल कोए और कोलीन के फ्यूजन से एसिटाइल कोलीन का निर्माण होता है, गॉट इट। इनके निर्माण को करने के लिए जो एंजाइम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हर प्रक्रिया को दो चीजों को जोड़ना है, ए और सी को जोड़ना है, यानी एसिटाइल एसिटेट और कोलीन को जोड़ना है, इनको जोड़ने के लिए भी हमें एक एंजाइम की जरूरत पड़ेगी।
उस एंजाइम को कहते हैं कोलीन एसिटाइल ट्रांसफरेज। तो कोलीन एसिटाइल ट्रांसफरेज के माध्यम से हम इन दोनों को जोड़ पाते हैं, राइट। तो ये कैसे होता है प्रोसेस? ये सारा प्रोसेस यहां पर नर्व एंडिंग्स के अंदर होता है, और जैसे ही एसिटाइल कोलीन बन गया, बाद में ये पाउच में जाकर यानी वेसिकल में जाकर जमा हो जाता है। तो हमें इस एंजाइम का नाम याद रखने की जरूरत है, इसका नाम है कोलीन एसिटाइल ट्रांसफरेज, जो ए और सी को कंबाइन करता है, यानी एसीटेट और कोलीन को कंबाइन करके एसिटाइल कोलीन का निर्माण करता है। अब हम ये बात करते हैं कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल क्या होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें पता होना चाहिए। ये नर्व एंडिंग्स के ऊपर, नर्व एंडिंग्स पर यानी नर्व टर्मिनल पर, ये हमारी कुछ सोडियम चैनल पाए जाते हैं। तो जब भी इलेक्ट्रिक करंट हमारी नर्व एंडिंग तक पहुंचता है, यानी एक्शन पोटेंशियल हमारी नर्व एंडिंग तक पहुंचता है, तो जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट नर्व एंडिंग तक पहुंचता है, ये हमारे इस करंट के कारण ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं, और इसके माध्यम से सोडियम अंदर जाना चालू हो जाता है। इसका पर्पज यदि ज्यादा से ज्यादा सोडियम को अंदर भेजना, इस प्रक्रिया को कहते हैं सोडियम इनफ्लक्स। सोडियम इनफ्लक्स यानी सोडियम अंदर इंटर कर रहे हैं, राइट। और जितने ज्यादा सोडियम अंदर आएंगे, तो सोडियम के ऊपर प्लस लगा होता है हम जानते हैं, लेकिन अंदर का वातावरण माइनस होता है। अंदर लगभग माइनस मिली वोल्ट का एटमॉस्फेयर होता है। तो जितने ज्यादा सोडियम अंदर पहुंचेंगे, उतना ही ज्यादा इस पोलैरिटी को चेंज करेंगे, और धीरे धीरे करके इस पोलैरिटी को चेंज करते करते ये प्लस 10 मिली वोल्ट तक ले जाते हैं। तब तक सोडियम का इन्फ्लक्स होता रहता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर माइनस 70 मिली वोल्ट से लेकर इन्होंने 10 मिली वोल्ट तक, प्लस 10 मिली वोल्ट तक इसकी पोलैरिटी को बदल दिया। यानी अंदर का वातावरण जो पहले नेगेटिव वोल्ट में था, उसे अभी पॉजिटिव वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो जैसे ही यहां पर अंदर का वातावरण, जैसे ही सोडियम अंदर गए और उन्होंने अंदर के वातावरण को चेंज किया, तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले तो नर्व एंडिंग का कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी नर्व एंडिंग डिपोलराइज होगी। इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से नर्व एंडिंग्स एक्टिवेट होगी, और जैसे ही सोडियम अंदर पहुंचेगा और अंदर के वातावरण को प्लस कर देगा, ठीक उसी के साथ जैसे जैसे सोडियम की एंट्री होगी, वैसे वैसे कैल्शियम की एंट्री भी चालू हो जाएगी। इसे कहते हैं कैल्शियम इन्फ्लक्स। यानी कैल्शियम को इन्फ्लक्स करने के लिए पहले सोडियम का इन्फ्लक्स करना जरूरी होता है। जैसे जैसे सोडियम का इन्फ्लक्स चालू होगा, और वही कैल्शियम के इन्फ्लक्स को भी प्रमोट करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम अंदर पहुँचेगा। कैल्शियम की एंट्री बहुत ज़रूरी है, और कैल्शियम की एंट्री तभी होगी जब सोडियम चैनल एक्टिवेट होगा। तो हमारी नर्व एंडिंग पर ये दो चैनल पाए जाते हैं। पहला चैनल होता है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, जो इस नर्व के माध्यम से आने वाले एक्शन पोटेंशियल से खुलते हैं, ताकि सोडियम अंदर जाना चालू हो जाए। और दूसरे इसी नर्व एंडिंग पर चैनल पाए जाते हैं, जिसे हम कैल्शियम चैनल बोलते हैं। ये तब ओपन होते हैं जब सोडियम चैनल ओपन होता है, जब ये चैनल एक्टिवेट होता है। और कैल्शियम की एंट्री बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना कैल्शियम के हमारे आगे का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, राइट। तो अब ये देखिए, अब कैल्शियम की एंट्री अंदर हो गई, ये देख कैल्शियम की एंट्री अंदर हो रही है। जैसे ही कैल्शियम की एंट्री अंदर होती है, तो हमारे नर्व एंडिंग्स में, हमने बताया था कि ये हमारी नर्व है, और ये नर्व एंडिंग में बहुत सारे वेसिकल पाए जाते हैं।
ये बहुत सारे पाउच पाए जाते हैं, इन पाउच के अंदर ही हमारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, हमारा एसिटाइल कोलिन होता है। तो जैसे कैल्शियम अंदर पहुंचेगा, कैल्शियम को वेलकम करने के लिए हमारे इस वेसिकल की सरफेस पर कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं, जो जैसे ही कैल्शियम को देखते हैं वो कैल्शियम को वेलकम करते हैं। तो इनको कहते हैं हम कैल्शियम सेंसिटिव प्रोटीन, जो हमारे वेसिकल की सरफेस पर पाए जाते हैं, और इसके कारण हमारे कैल्शियम को हमारी नर्व एंडिंग से जुड़ने का मौका मिल जाता है, राइट। और जैसे ही कैल्शियम हमारी नर्व एंडिंग से जुड़ते हैं, तो अब होता है एसिटाइल कोलीन का रिलीज। यानी जब तक कैल्शियम नर्व एंडिंग से नहीं जुड़ेंगे, तब तक एसिटाइल कोलीन का रिलीज होना डिफिकल्ट है। तो ये यहां पर देखिए, ये हमारी है नर्व, और ये बहुत सारे वेसिकल्स हैं, ये वेसिकल्स हैं सारे। इन हर एक वेसिकल्स में बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, बहुत सारा एसिटाइल कोलीन है। ये वेसिकल को अब एसिटाइल कोलीन रिलीज करना है, क्योंकि कैल्शियम ने एक्टिवेट कर दिया है। तो वेसिकल जाएंगे नर्व एंडिंग की ओर, और ये नर्व एंडिंग पर ये जुड़ेंगे, और फिर यहां से ये ओपन होकर एसिटाइल कोलीन को रिलीज कर देंगे। लेकिन इस प्रोसेस में क्या होता है, उसकी बात हम करने वाले हैं। पहली बात तो जब ये इस चीज को रिलीज करते हैं नर्व एंडिंग में, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, कि न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज किया जाना ऑन द नर्व एंडिंग्स, जो फुल्ली कैल्शियम डिपेंडेंट है। बिना कैल्शियम के ये पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर ये ध्यान में रखने वाली बात है कि हर एक वेसिकल की सरफेस पर एक प्रोटीन पाया जाता है, इस प्रोटीन को कहते हैं साइनेप्टोब्रेविन। ये हर एक वेसिकल के सरफेस पर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है साइनेप्टोब्रेविन। और एक दूसरा प्रोटीन हमारे नर्व एंडिंग्स में, ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में पाया जाता है। ये प्रोटीन भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसका नाम है सिंटैक्सिन। ये दोनों प्रोटीन हैं, और अब ये दो प्रोटीन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो मानो कि एक वेसिकल है, उसके ऊपर ये प्रोटीन है, और एक प्रोटीन इधर है, ये दोनों आपस में जुड़ गए। यानी साइनेप्टोब्रेविन जो हमारे बेसिकल पर है, और सिंटैक्सिन जो हमारी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर है, ये दोनों आपस में जुड़ गए। और इनके जुड़ने के बाद फिर तभी हमारा बेसिकल इस मेम्ब्रेन से अटैच हो पाता है। अटैचमेंट के लिए जरूरी है। अब मानो किसी तरह से अगर ये प्रोटीन में से एक प्रोटीन भी गायब हो गया, डिसअपीयर हो गया, डीजनरेट हो गया, तो आपके वेसिकल पड़े रह जाएंगे, ये जुड़ नहीं पाए। इन्हें हम समझ सकते हैं ग्लू की तरह, कि एक ग्लू इस वेसिकल पर लगा हुआ है, और एक ग्लू लगा है आपके ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर की ओर। तो ये ग्लू ही एक दूसरे को, आप एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो वेसिकल यहां पर आती है, फिर वेसिकल ओपन होकर अपने पूरे पाउच को रिलीज कर देती है। तो वेसिकल को रिलीज करने के लिए हमने देखा कि ये दो प्रोटीन का होना बहुत जरूरी है, साइनेप्टोब्रेविन एंड सिंटैक्सिन। ध्यान रखिएगा कि आगे चलकर हम पाएंगे कि अगर किसी तरह से हमने इनको ब्लॉक कर दिया, या ये किसी कारण से ब्लॉक हो गए, तो एसिटाइल कोलिन रिलीज ही नहीं हो पाएगा। तो इन दो प्रोटीन का नाम याद रखना बहुत जरूरी है, साइनेप्टोब्रेविन एंड सिंटैक्सिन। और जैसे एसिटाइल कोलीन रिलीज हो गया, इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सोसाइटोसिस, राइट। तो हमने देखा कि एक्शन पोटेंशियल हमारे नर्व में आया, फिर कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ, कैल्शियम भी अंदर आ गया, और फिर हमारा एसिटाइल कोलीन रिलीज हुआ। ये जितनी भी घटनाएं हैं,
ये सब अभी नर्व एंडिंग तक खत्म हो गई, अभी नर्व के बाद तो हम पहुंचे ही नहीं है। तो इन सारी घटनाओं को हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक इवेंट्स, यानी साइनेप्स के पहले के सारे इवेंट्स हैं। अब देखिए, ये हमारा साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, यानी ये हमारी नर्व एंडिंग है, और इधर हमारी स्केलेटल मसल है, और ये स्केलेटल मसल की मोटर एंड प्लेट है। इस गैप को हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, राइट। तो हम देख रहे हैं कि ये एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रहा है, एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रहा है, और रिलीज होने के बाद फिर यह इस मोटर एंड प्लेट से कनेक्ट हो रहा है, बाइंड हो रहा है, यानी एसिटाइल कोलिन बाइंड हो रहा है। तो जब एसिटाइल कोलिन यहां पर आता है तो इसको वेलकम करने के लिए भी यहां पर कुछ चैनल्स पाए जाते हैं, जैसे कि ये चैनल्स है। इसका पर्पज क्या है? इसका पर्पज है कि एसिटाइल कोलिन को बाइंड करने के लिए इनवाइट करना, कि प्लीज कम एंड वाइंड, कि आओ और मुझसे जुड़ जाओ। यही तो कारण है कि एक स्पेशल चीज ही आगे जाके कनेक्ट हो जाती। अब आपने एसिटाइल कोलिन की जगह और कुछ छोड़ दिया तो उसको ये वेलकम नहीं करेंगे। तो स्केलेटल मसल्स में जो रिसेप्टर पाए जाते हैं वो एसिटाइल कोलिन को वेलकम करते हैं, या निकोटिन को भी वेलकम करते हैं, निकोटिन। इसलिए इन्हें कहते हैं एसिटाइल कोलिन सेंसिटिव आयन चैनल, इनको निकोटिनिक सेंसिटिव आयन चैनल भी कह सकते हैं, इन्हीं को हम कह सकते हैं निकोटिनिक सेंसिटिव चैनल, ये भी इनका दूसरा नाम है। और इनको हम एसिटाइल कोलिन सेंसिटिव चैनल भी कह सकते हैं, या मिलाकर भी कह सकते हैं निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन सेंसिटिव चैनल या रिसेप्टर, राइट। तो एसिटाइल कोलिन जब यहां इन चैनल से वाइंड हो जाता है और उसके बाद ये सारे के सारे ये कैटाइंस अंदर जाना चालू हो जाते हैं, राइट। यानी एसिटाइल कोलिन इससे बाइंड हुआ, इसके साथ ही और भी कुछ जाना चालू हो जाता है। यानी एक तो खुद एसिटाइल कोलिन ने मसल में एंट्री ली, लेकिन जैसे ही एसिटाइल कोलिन की एंट्री होती है सोडियम भी अंदर जाता है, राइट। और सोडियम भी अंदर जाता है, इसकी हम बात करेंगे सोडियम किस चैनल्स के माध्यम से अंदर जाता है शॉर्टली। अभी हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे ही एसिटाइल कोलिन की एंट्री चालू होती है वैसे ही फिर सोडियम की एंट्री भी चालू हो जाती है, और सोडियम का एक ही काम है कि कहीं भी जाकर वहाँ की पोलैरिटी को प्लस में कन्वर्ट कर देना, क्योंकि सोडियम खुद प्लस है। तो हमारी ये मसल है, ये हमारी स्केलेटल मसल है यहाँ पर, राइट। और जैसे ही स्केलेटल मसल्स में एसिटाइल कोलिन ने एंटर किया, अब मूवमेंट इनिशिएट होगी। तो मूवमेंट कैसे इनिशिएट होगी अब हम उसकी बात करेंगे। तो यहां पर हम मेरा कहने का पर्पज था सबसे मेन कि निकोटिनिक जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, यह है हमारे निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। और जैसे ही हमारा एसिटाइल कोलिन का एंट्री चालू होता है सोडियम का भी एंट्री चालू हो जाता है, और सोडियम का एक ही काम है कि नेगेटिव एटमॉस्फेयर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, यानी नेगेटिव मिली वोल्ट वाले वातावरण को पॉजिटिव मिली वोल्ट में कन्वर्ट करना, ये सोडियम का काम है, क्योंकि सोडियम पर खुद एक प्लस है। तो जब सोडियम पर खुद प्लस है और जैसे ही वो इधर जाएगा तो यहाँ भी पोलैरिटी को प्लस करने लगेगा। तो चलिए अब हम फिर से यहाँ पर देखते हैं कि जब जैसे ही हमारा, तो पहला हमारा हुआ, हमने आपको बताया कि सोडियम का एंट्री चालू हो गया और सोडियम ने मसल्स के अंदर मूव करना चालू कर दिया। सोडियम ने साइनेप से हमारे मसल के अंदर मूवमेंट चालू कर दी, हमारी मसल के अंदर की -80 मिली वोल्ट को इसने 0 मिली वोल्ट तक
ये ले गया, यानी इसकी निगेटिविटी को कम करता गया कम करता गया, इनका इसका होता रहा इन्फ्लक्स होता रहा होता रहा, राइट। तो जितना ज्यादा हमारा एसिटाइल कोलीन इंटर करेगा, जितना ज्यादा एसिटाइल कोलीन इंटर करेगा उतना ही ज्यादा सोडियम का इन्फ्लक्स होगा, राइट। इधर से हमारा एसिटाइल कोलीन इंटर कर रहा है, उतना ही ज्यादा हमारा सोडियम का इन्फ्लक्स हो रहा है। तो सोडियम और ये दोनों उसी रेशो में एंट्री करते हैं, और सोडियम का काम है कि माइनस पोलैरिटी को पॉजिटिव वोल्ट पोलैरिटी में कन्वर्ट कर देना। तो यहाँ लिखा देयर आर टू मेनी कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स वर्किंग एट ए टाइम, बहुत सारे कोलिनर्जिक रिसेप्टर एक साथ काम करते हैं और सोडियम का इन्फ्लक्स चलता रहता है। तो सोडियम विल स्टार्ट मूविंग टू द मसल्स, सोडियम हमारी मसल में जाएगा और सोडियम का बहुत ही हैवी इन्फ्लक्स होने लगेगा, और जैसे सोडियम का हैवी इन्फ्लक्स होगा ये हमारे मेम्ब्रेन के मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर काम करेगा। हमने बताया कि नेगेटिव पोलैरिटी को पॉजिटिव पोलैरिटी में कन्वर्ट कर देगा, और यानी हमारी मसल को डीपोलराइज कर देगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, क्योंकि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्शन होता है तो हमारी मसल की पोलैरिटी चेंज होती है। तो इस तरह से ये मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। यहां पर एक इवेंट और होगा कि जैसे सोडियम यहां पर जाएगा पोटेशियम को चिंता होने लगेगी, भाई क्या करें, क्योंकि यहां का तो प्लस 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 होता जा रहा है लेकिन यहां तो सोडियम कम हो रहा है ना, तो कंपेंसेट करने के लिए पोटेशियम अपोजिट डायरेक्शन में इन्फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगेगा। ये हमेशा सोडियम पोटेशियम की कहानी उल्टी चलती है। अगर सोडियम एक डायरेक्शन में जाए कहीं भी तो आप देखोगे कि पोटेशियम उल्टी दिशा में अपनी गति चालू कर देता है, एक जस्ट उस रिएक्शन उस एक्शन और रिएक्शन को कंपेंसेट करने के लिए। तो जितने ज्यादा हमारे सोडियम का इन्फ्लक्स होगा और साथ ही साथ हमारे पोटेशियम का भी इन्फ्लक्स होने लगेगा, राइट। तो जितने ज्यादा कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, यानी जितने ज्यादा हमारे कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स ओपन होंगे उतना ही ज्यादा हमारा सोडियम का इन्फ्लक्स बढ़ेगा, क्योंकि एक कोलिनर्जिक रिसेप्टर अकेला इनफ नहीं है। मान लो एक कोलिनर्जिक रिसेप्टर ओपन हुआ तो थोड़ा सा ही सोडियम जाएगा, और बहुत सारे कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स ओपन हो गए तो बहुत सारा सोडियम अंदर जाएगा। तो जो एक कोलिनर्जिक रिसेप्टर होता है उससे केवल थोड़ा सा ही वोल्टेज चेंज हो पाता है, जिसे कहते हैं 0.4 मिली वोल्ट, इसे कहते हैं मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल, मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल। यानी एक सोडियम यह है कि एक सिंगल बेसिकल, हमने कहा था कि ये बेसिकल के अंदर एक निश्चित मात्रा में एसिटाइल कोलीन होते हैं, जब एक पाउच फटेगा बेसिकल का और उससे जो एसिटाइल कोलीन रिलीज होंगे सिर्फ उतने भर से इतना ही वोल्टेज चेंज होगा। इसी कारण से बहुत सारे पाउचेस एसिटाइल कोलीन के रिलीज होते हैं, बहुत सारा सोडियम इन्फ्लक्स होता है, तभी -80 मिली वोल्ट 0 मिली वोल्ट में कन्वर्ट हो पाता है। सिंगल बेसिकल से जो एसिटाइल कोलीन रिलीज होता है वह बहुत ही स्मॉल अमाउंट का होता है, और उससे जो वोल्टेज चेंज होता है उसे हम कहते हैं मिनिमम चेंज इन द वोल्टेज 0.4 मिली वोल्ट, इसे कहते हैं मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल। तो यहां पर हमने बात की, अब चलिए इस चीज को सोडियम और कोलीन की स्टोरी को यहां पर समझते हैं। ये हमारे हैं निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर, यानी यहां से हमारा एसिटाइल कोलीन और कोलीन यहां से इंटर करेगा, राइट। और जितना ज्यादा हमारा ये इंटर करेगा उतना ही हमारी ये वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे और सोडियम का इन्फ्लक्स चालू हो जाएगा, और अपोजिट में पोटेशियम का भी
आवागमन चालू हो जाएगा। तो जैसे सोडियम का इन्फ्लक्स बढ़ता है अंदर, वैसे ही वेव ऑफ डिपोलराइजेशन, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन चालू होती है मसल में और हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, राइट। तो डिपोलराइजेशन हुआ और फिर डिपोलराइजेशन ऐसे फैलता जाता है और बगल की मसल में और बगल की मसल में और हमारी नेवर की मसल में। डिपोलराइजेशन स्प्रेडिंग इन द नेवर मेम्ब्रेन, मसल मेम्ब्रेन, राइट। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पहले हमारे निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स में से हमारा एसिटाइलकोलिन के माध्यम से ये हमारे रिसेप्टर एक्टिवेट हुए, स्टिमुलेट हुए, जिन्होंने सोडियम को का इन्फ्लक्स बढ़ा दिया। और सोडियम के इन्फ्लक्स के कारण जैसे ही वोल्टेज में चेंज आया और उस वोल्टेज में होने वाले परिवर्तन के कारण मसल का डिपोलराइजेशन हुआ। तो इस